धौलाधार पर्वतों के नीचे बसे और ब्रिटिश काल एवं पंजाब प्रांत से एवं हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले और पुराने कॉलेज की इमारत को देखना उस समय की याद दिला देता है जब हिमाचल में केवल मात्र एक ही संस्थान हुआ करता था और हिमाचल प्रदेश के स्थानीय छात्रों को शिक्षा लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था। परंतु इस कॉलेज की इमारत बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के स्थानीय छात्रों को बहुत मदद मिली और बहुत ही संख्या में छात्र यहाँ स्नातक परास्नातक स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज धर्मशाला की, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जब पंजाब प्रांत को 28 जगह में मिलाया गया था तो ब्रिटिश आर्मी ने अपनी छावनियाँ यहाँ स्थापित कर दी थी। उस समय कांगड़ा पंजाब प्रांत का सबसे बड़ा जिला था और उसी दौरान ब्रिटिश पंजाब प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस विलियम डे ने अपनी ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान 1908-13 में इस कॉलेज का निर्माण करवाया था। इसके फलस्वरूप धर्मशाला शिक्षा बोर्ड ट्रस्ट का गठन किया गया और मई 1912 को कॉलेज की आधारशिला रखी गई। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है ब्रिटिश युग के सबसे पुराने कॉलेज और हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने कॉलेज जीडीसी धर्मशाला में। तो आप मेरे बैक साइड पे जीडीसी कॉलेज और ग्राउंड का व्यू यहाँ से देख रहे होंगे और यहाँ से नीचे ठीक ही स्टेडियम है। तो आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे ब्रिटिश टाइम के कॉलेज और सब हिमाचल के सबसे पुराने कॉलेज, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन स्टोन जो था सर विलियम डेन द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस दौरान पंजाब के, उनके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो बताते हैं आपको जीडीसी कॉलेज धर्मशाला की हिस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए रजत ट्रैवलर और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और बताते हैं आपको जीडीसी कॉलेज धर्मशाला की हिस्ट्री और इसके फाउंडेशन स्टोन से लेके तमाम अन्य चीज़ों के बारे में। और आप मेरे पीछे व्यूज़ भी देख सकते हो यहाँ से, स्टेडियम का व्यूज़ भी, और साथ ही जितने भी एडुकेशन इंस्टीट्यूट है वो साथ में ही इसके लगते हुए हैं। चाहे बात की जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, बात की जाए टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की, तो टेक्निकल हमीरपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जो कि HPU के अंडर, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर यहाँ पे MCA MBA में यहाँ पे HPTU के अंडर भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो एक धर्मशाला एक एजुकेशन का हब बन चुका है। तो बात करते हैं धर्मशाला कॉलेज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश ठाकुर और आप सभी देख रहे हैं रजत ट्रैवलॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रजत ट्रैवलॉग में। अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला GDC कॉलेज। मेरे ठीक नीचे आप MBA डिपार्टमेंट देख रहे होंगे जो कि HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पे एफिलिएटेड है, जिसको एप्लीकेशन मिली है टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। तो आगे ठीक आगे हम आपको ले जाएंगे लाइब्रेरी की तरफ। तो दोस्तों लाइब्रेरी की बिल्डिंग भी आप देख सकते हो और बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है जिस, और ठीक आगे हम जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ, जो कि ओल्ड बिल्डिंग है और ब्रिटिश टाइम की है। और मेरे पीछे आप यहाँ पे ऑडिटोरियम भी देख रहे होंगे जिसमें स्टूडेंट एसोसिएशन का काफ़ी बड़ा हाथ है और काफ़ी कम समय पे इस ऑडिटोरियम का जो है निर्माण भी किया गया। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे प्रिंसिपल का जो ऑफिस है उसके बाहर अभी हम मौजूद है। और 1912 में जो ये बिल्डिंग बनी हुई थी उसी दौरान जो है ये आज भी उसी रूप में जो है इस बिल्डिंग यहाँ पे स्थापित है। और इसमें जो है ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, बल्कि इसके अलावा जो अदर बिल्डिंग है उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं और वो रेनोवेटेड भी हो चुकी है। और अभी हम मौजूद है प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, और जो कि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी और 1912 के टाइम में जो है इसकी स्थापना भी यहाँ पे ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उस समय के पंजाब के गवर्नर थे सर
लुइस विलियम डेन द्वारा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और यहाँ पे आप डबली प्लैटिनम का यहाँ पे एक शिला पट्टिका भी देख सकते हो, जिसमें बहुत ही खूबसूरत जो है आकृति है यहाँ पे उकेरी गई है। और ठीक मेरे पीछे यहाँ पे आप स्वर्ण जयंती समारोह का एक बोर्ड भी देख सकते हो, जो कि 1926 से 1976 की डेट जो सन है इसमें उकेरा गया है। और इसका जो शिलान्यास किया था तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी द्वारा किया गया था, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था 1978 में। इसके अलावा आप पूरी बिल्डिंग को भी मेरे पीछे देख रहे हो, और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है और ब्रिटिश इरा के टाइम पे जैसा था वैसा का वैसा ही है। और मेरे पीछे आप बैक साइड पे देख सकते हो आप बिल्डिंग्स, पूरी बिल्डिंग्स जो कि अभी रेनोवेटेड हो चुकी है, इसका कुछ हिस्सा अभी रेनोवेटेड हो चुका है और कुछ हिस्सा जो है वैसे के वैसे ही है जो 1912 या 26 के दौरान था। और 1926 में यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट तक ये कॉलेज जो था, और 1926 के बाद जो है 1950 में यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्सेज चलाए गए, और 1970 में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी कोर्स शुरू हो चुके थे। और इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है और हिमाचल और पंजाब का सबसे पुराना जो कॉलेज है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये एस्टैब्लिश किया गया था कि यहाँ से जितने भी हिमाचल के नियरली या कांगड़ा लाहौल स्पीति जो भी ट्राइबल्स एरियाज है उनके स्टूडेंट्स जो है यहाँ से कहीं उनको ज़्यादा दूर स्टडी करने के लिए ना जाना पड़े, और इसीलिए यहाँ पे जो है इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसकी हिस्ट्री जो है ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम की है। तो आप बिल्डिंग को मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी बखूबी तरीके से यहाँ पे वेल मेंटेन भी सहेजी भी गई है। 1912 से अब तक काफ़ी बदलाव भी आ चुके हैं वैसे अगर देखा जाए तो। तो प्रिंसिपल ऑफिस को भी आप सामने देख सकते हो, और उसमें गोल्डन प्लैटिनम जुबली का एक स्टोन बना हुआ है उसको भी देख सकते हो। तो कॉलेज पूरा मिला के बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है गाइस, तो आप यहाँ पे घूम सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट भी है, और यहाँ पे MBA कुछ डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो है हैंडल किए जाते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट जो है उनमें SPU की एफिलिएशन है। उन कुछ टाइम ये ब्रिटिश इरा के अंडर भी रहा था। सर विलियम जो यहाँ के सर लुइस विलियम डेन थे, पंजाब के गवर्नर थे तत्कालीन, उन्होंने इस कॉलेज का जो है एस्टेब्लिशमेंट भी किया, और उनका एक स्टोन आप बैक साइड पे देख सकते हो मेरे बैक साइड पे। तो दोस्तों इस कॉलेज का जो फाउंडेशन स्टोन से रखा गया था वो रखा गया था 1912 में सर विलियम डेन द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और 1912 के बाद जो है 1926 में ये कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज बना, और 1926 के बाद जो है 1947 में इसमें अपग्रेड करते हुए जो है ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज चलाए गए थे, जो कि उस समय के दौरान जो था ये कॉलेज पंजाब गवर्नमेंट के अंडर, पंजाब जो प्रोविंस थी उसके अंडर ही था, पंजाब प्रांत के अंडर था, जो कांगड़ा का पूरा एरिया और हिमाचल। तो 1947 के बाद और अपग्रेड करते हुए 1970 में जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कॉलेज कोर्सेज भी चलाए गए, जो कि हिमाचल की हिस्ट्री में सबसे पहली बार जो है GDC कॉलेज धर्मशाला में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज चलाए गए थे। और तब से लेकर यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आज की डेट में चलाए जाते हैं, चाहे बात करें टेक्निकल साइड की और बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे MCA भी यहाँ से है, BBA है, लाइक BTech है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पे। तो कुछ कोर्सेज यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटीज द्वारा संचालित किए जाते हैं, और बाकी के अदर कोर्सेज चाहे बात की जाए आर्ट्स स्ट्रीम्स की, चाहे बात की जाए साइंस स्ट्रीम्स की, और चाहे बात की जाए कंप्यूटर बैकग्राउंड की, और बात की जाए बायो साइंस की, तो बहुत सारे कोर्सेज जो है HPU के अंडर यहाँ पे चलाए जाते हैं। और 1970 में जो है
इसको एफिलिएशन मिल गई थी 1970 के बाद. 1970 में पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी कोर्सेज थे उनके लिए यहाँ पे एफिलिएशन इस कॉलेज को मिल गई थी. तो आप इस कॉलेज की जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है उसको भी देख सकते हो जो कि ब्रिटिश टाइम की है, और प्रिंसिपल ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो ब्रिटिश टाइम पे, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है. और वहाँ पे एक ओल्ड एग्जामिनेशन हॉल है, उसको भी आप ब्रिटिश इरा के टाइम के दौरान वहाँ पे वैसे ही देख सकते हो. और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, बहुत ही हेरिटेज बिल्डिंग के नाम से भी जिसको जाना जाता है. तो यहाँ पे धूलाधार वादियों के नीचे आप कॉलेज का व्यू और उस बिल्डिंग को भी देख सकते हो. और बहुत ही शानदार कैंपस है चारों साइड से. अभी हम प्लेग्राउंड में मौजूद है और प्लेग्राउंड के बैक साइड जो बिल्डिंग रेड कलर पे दिख रही है वो कॉलेज बिल्डिंग है. तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज भी चलाए जाते हैं. इसके अलावा यहाँ पे NCC, NSS, रोवर रेंजर और बहुत सारी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं. और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी धर्मशाला का नाम, धर्मशाला कॉलेज का नाम खासी ऊंचाइयों और शिखर पर है. तो यहाँ से बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है वो भी यहाँ से निकल चुके हैं, जैसे देवानंद भी यहाँ से वो स्टडी कर चुके थे. और बात की जाए अगर हिमाचल के प्रसिद्ध कलाकार या जो प्रसिद्ध गायक है मोहित चौहान भी यहाँ से पढ़ चुके हैं. मोहित चौहान के अलावा यहाँ से शेरजंग थापा जो ब्रिगेडियर लेवल पे अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद हुए थे, जो कि दूसरे महावीर चक्र से भी सम्मानित है, वो भी यहाँ से पढ़ चुके हैं. तो इस कॉलेज ने बहुत सारे अभिनेता नेता और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी इस कॉलेज ने दी है. तो अभी इस कॉलेज के बारे में, इसके अलावा आप पूरे कैंपस को घूम सकते हो. और पूरे कैंपस के अलावा अभी यहाँ पे काम चला हुआ है. और ये ठीक कॉलेज जो है धर्मशाला स्टेडियम के जॉइंट में ही है और धर्मशाला स्टेडियम के साथ लगता हुआ ही है. तो आप धर्मशाला स्टेडियम का व्यूज़ भी यहाँ से देख सकते हो. और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो धौलाधार कैंपस 2 है वो यहाँ पर मौजूद है. दोस्तों ठीक मेरे पीछे आप धर्मशाला स्टेडियम देख रहे होंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक ब्यूटी को संजोए हुए है. और काफ़ी सारे जो सैलानी और टूरिस्ट जो है यहाँ पे घूमने के लिए हर दिन आते हैं और पूरा साल बहुत सारी भीड़ यहाँ पे दर्शकों की लगी रहती है. और अभी हाल ही में यहाँ पे मैच भी हुए थे भारत और श्रीलंका के बीच. तो ठीक है, GDC कॉलेज के साथ लगता हुआ ही है. और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस भी देख सकते हो, कैंपस 2 जो धौलाधार की टेम्परेरी बिल्डिंग है उसको भी देख सकते हो. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है. तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे बैक साइड पे यहाँ पे आर्ट्स ब्लॉक है GDC कॉलेज की, और GDC कॉलेज की आर्ट्स ब्लॉक के साथ लगता हुआ यहाँ पे प्ले ग्राउंड भी है. तो इस कॉलेज का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो थे उस टाइम के दौरान जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे. और सबसे नज़दीक कॉलेज हिमाचल का यही था. तो ये ब्रिटिश प्रांत के अंडर और पंजाब प्रांत के अंडर भी रहा है उस दौरान, जब फाउंडेशंस इसकी जो स्टोन यहाँ पे रखा गया था सर विलियम डेन द्वारा, लुइस विलियम डेन द्वारा. तो यहाँ से स्पोर्ट्स हब में भी, NCC एक्टिविटीज़ में भी, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे यहाँ से एथलीट भी निकल चुके हैं, और बहुत सारे यहाँ से सेलिब्रिटीज भी इस कॉलेज में दिए हैं. तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला कॉलेज की बिल्डिंग, जियोलॉजी जो बिल्डिंग है जिसका जो संचालन किया था 1950 में यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्सेज में. जियोलॉजी नामात्र एक ऐसा सब्जेक्ट था जो 1950 में पहली बार यहाँ पे तत्कालीन जो उस समय की प्रिंसिपल थी श्रीमती गोमती प्रसाद द्वारा, उनके इनिशिएट से जियोलॉजी डिपार्टमेंट, ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट यहाँ पे बना था. और ये उस समय पंजाब यूनिवर्सिटीज के अंडर था, और उसके बाद ये HPU के अंडर अभी संचालन किया जा रहा है. तो सबसे पुराना डिपार्टमेंट है ग्रेजुएशन लेवल का, आप इसको भी देख सकते हैं. और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उस समय के अनुसार ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जो जियोलॉजी का कोर्स था संचालित किया जाता था 1950 के दौरान. तो ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बाकी रेनोवेटेड तो हुई है. उसके अलावा आप पूरी बिल्डिंग मेरे बैक साइड पे देख सकते हो. जियोलॉजी ब्लॉक के बारे में हम आपको बताते हैं, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की एक ब्रांच है. तो यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन उस समय के दौरान जो है श्री जगत नारायण, जो कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर से उनके द्वारा रखा गया था. और आप
यहाँ पे देख भी सकते हो। और 9th अक्टूबर 1954 को यहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया था, और जूलॉजी डिपार्टमेंट में उनके द्वारा, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे पंजाब के, उनके द्वारा इसका जो फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया था 9th अक्टूबर 1954 को। और इसमें यहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती गोमती प्रसाद जो थी, यहाँ की प्रिंसिपल थी, उनके इनिशिएट से ही यहाँ पे जूलॉजी कोर्स ग्रेजुएशन बेस पे सबसे पहली बार यहाँ पे आया। जूलॉजी कोर्स आने के बाद यहाँ पे उसकी क्लासेस जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे सुचारू कर दी गई थी। तो दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ले आए हैं हिमाचल प्रदेश के प्रयास भवन में, जो कि कॉलेज की बिल्डिंग है। और इसकी एक खास बात है कि इसमें 2005 में जो विंटर सेशन हुआ था, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का जो विधानसभा सत्र हुआ था, वो पहली बार इसी बिल्डिंग में हुआ था। तो ये कॉलेज की जो पुरानी बिल्डिंग है, और इसके बाद जो है तपोवन में विंटर सेशन चलते हैं। तो दोस्तों, ये था जीडीसी कॉलेज धर्मशाला का हमारा आज का जो वीडियो था, उसका पर्पस था धर्मशाला कॉलेज के ऊपर बनाने का, और उसके हिस्ट्री के बारे में और उसकी जो पुरानी बिल्डिंग है उसके बारे में दिखाने का। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में और नेक्स्ट ब्यूटीफुल किसी प्लेस में। तो देखते रहिए, तब तक रजत ट्रैवलॉग, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें, और चैनल को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें।